साबित करना है ना, साबित करना है f बराबर r by 2 उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में साबित करें कि f बराबर r by 2 होता है। वहाँ पे दर्पण नीचे है ना, ये उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण से ये आपका पोल है, ये फोकस है, मुख्य फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र है। अब यहाँ से मिलाएं तो ये हो गया यहाँ तक वक्रता त्रिज्या। आप देखिए ये प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण जब प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो मुख्य फोकस से जाती हुई मालूम पड़ती है। ये प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण जब दर्पण से टकराती है तो ये इस प्रकार से जाती है कि वो फोकस से जाती हुई मालूम पड़ती है। जाहिर है टकरा के इधर चला गया, लेकिन किससे जाता हुआ मालूम पड़ रहा है, फोकस। इसके बाद यहाँ से हम अभी लंबी इस पर खींचे हैं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता हुआ मालूम पड़ रहा है ना, तो ये फिगर बनेगा है ना। तो इसे हम साबित करके दिखाएंगे है ना, आपको एफ बराबर मुख्य फोकस बराबर वक्रता त्रिज्या बटा दो होता है। एफ बराबर आर बाई टू लिखा हुआ है, एफ बराबर आर बाई टू, एफ को बोलते हैं मुख्य फोकस, एफ को मुख्य फोकस, सीधा सीधा मुख्य फोकस, लेकिन कहाँ से, पोल से, इसको बोलते हैं फोकस दूरी, क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटा दो, इसको हम साबित करेंगे। माना कि एमएम डैश नाम है एम एम डैश, माना कि एमएम डैश एक अवतल दर्पण है, सॉरी उत्तल है, माना कि एमएम डैश एक उत्तल दर्पण है तथा पीसी प्रधान अक्ष है। यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ पे जो है ये पीसी को क्या बोलेंगे, प्रधान अक्ष है ना, पीसी प्रधान अक्ष है, जहाँ पी दर्पण का ध्रुव, इसको दर्पण में क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, दर्पण का ध्रुव है, एफ क्या है, मुख्य फोकस है, सी वक्रता त्रिज्या है और ए बी, ये देखिए ए बी है ना, ए बी आपतित किरण। अब देखिए आगे है ना, जब ए बी यहाँ से आती है ना, तो दर्पण से परावर्तन के बाद डी बी पर चल जाती है ना, तो डी बी को हम क्या लिख देंगे, ए बी पर आपतित किरण डी बी या बी डी, डी डी परावर्तित, डी डी परावर्तित किरण और बी ई, बी ई लंब खींचा गया है परपेंडिकुलर अंत बिंदु बी, परपेंडिकुलर बी पर, इस पर बी पर यहाँ पर लंब खींचा गया है ना, इसका भी लंब नॉर्मल बोलेंगे है ना, तो ऐसे लिखे बी अभिलंब, बी अभिलंब, अभिलंब खींचा। अब यहाँ से हम लिखेंगे कि B को है ना, DB को आगे बढ़ाया जो कहाँ पे कटता है, B पर है ना, तो DB दक्षिणा के, तो हम लिखेंगे DB को F तक, F से मिलाया, F से मिलाया तथा बीई को सी तक, बीई को सी तक मिला, बी को सी तक मिला, साबित करना है तो लिख देते हैं, साबित करना है एफ बराबर आर बाई टू। यहाँ से हम प्रमाण लिख देते हैं, प्रमाण में हम चलेंगे चलना, तो यहाँ पे आते प्रमाण में परावर्तन के नियम से, ये देखिए आई बराबर आर दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, देखो यहाँ से प्रकाश की जब किरणें आती है, देखिए प्रकाश की जब किरणें आती है बिंदु पर यह अभिलंब जब खींचा जाता है तो ये आई और ये आपतित किरण, परावर्तित किरण के हमेशा आपतित आने वाली प्रकाश की किरण अभिलंब के साथ आपतन कोण बनाती है, परावर्तन कोण, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण, इसका मतलब आई और आर आपस में बराबर, दूसरा नियम से लिख रहे हैं कि परावर्तन के, परावर्तन के दूसरे नियम से लिखेंगे, परावर्तन के दूसरे नियम से, दूसरा नियम यह कहता है आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के, आपतन कोण बराबर
परावर्तन कोण, इसका मतलब हो गया आई बराबर आर, है ना। यह हो गया आई बराबर आर। तो आई बराबर आर को अगर हम लिखेंगे एंगल के रूप में तो कोण आई बराबर कोना, आई बराबर आर को लिखेंगे ए बी ई बराबर डी बी ई, है ना। आई को क्या लिखेंगे ए बी ई, एंगल ए बी ई बराबर डी बी ई बराबर कोण डी बी ई, है ना। ये परावर्तन के नियम से। अब देखिए यहां से बी बी डी ई बी, यहाँ बी है ये ई है, इसको जब हम यहाँ तक मिलाए हैं, है ना, यहाँ से देखिएगा ये मिलाया हुआ है तो हो जाए क्या, ये वाला आर और ये वाला, इसमें हम नाम दे देते हैं कुछ, तो ये भी तो आर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ना। तो इस प्रकार से काटा, इस प्रकार से, है ना। तो ये क्या है, शीर्षा भिमुख पर भग्न, ये आर है तो ये भी आर होगा, अभी कर रहे हैं, है ना। अब दे सी तो आर इसका नाम है, इसका भी आर ही दे देते ना, है ना, या कोण एक दे देता हूँ। यहाँ से हम लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण से रिलेशन हम कर सकते हैं, है ना। क्या कहेंगे, कोण सी बी एफ, सी बी एफ, ठीक है, कोण सी बी एफ बराबर कोण ई लिख लें डी बी ई, डी बी यही वाला लिख देते ना, डी बी ई, डी बी ई, देखिए डी बी ई बराबर सी बी एफ, कौन रिलेशन, शीर्षा विमुख, जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती किसी एक बिंदु पर उसके आमने सामने का जो विपरीत वाला कोण होता है आपस में बराबर होता है, इस रिलेशन को बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। तो हम इसको लिख रहे हैं क्या लिखे, सी एफ बी, तो एक तथा दो से चलेंगे तो डी बी ई बराबर डी बी आर एच एस बराबर एल एच एस, तो हो जाएगा ए बी ई बराबर सी बी एफ, हो गई ना, ए बी ई बराबर सी बी एफ, यानी ये इसके बराबर हो गया, नहीं हो गया, हो गया ना, ये इसके बराबर हो गया, यानी ये वाला इसके बराबर। अब देखते हैं फिर से समीकरण तीन, इसका नाम दे देते हैं। अब देखिए यहाँ से, है ना, ये दोनों समांतर बिंदु हैं, है ना, ये दोनों समांतर बिंदु है ऐसे, है ना, देखो ए बी और पी सी, ये ए बी है और ये दो समांतर बिंदु को, दो समांतर रेखा को, सॉरी हाँ, दो समांतर रेखा को जब एक सरल रेखा काटती है, ये देखो सरल रेखा काट रहा है, जब एक सरल रेखा काटती है तो ये वाला कौन है, ये वाला कौन संगत कौन से क्या होता है, बराबर। जैसे कि यहाँ पे धरना दो समांतर रेखा है, इसका नाम ए बी कुमार, इसका नाम पी सी, है ना। और जब इसको एक अन्य रेखा काट रहा है तिर्यक रेखा, जिससे यहाँ पे रेखा निकला हुआ आई, तो यहाँ का जो कोण होता है, ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर, इसको बोलते हैं संगत कोण का रिलेशन। तो इसी यही रिलेशन हम लिखने जा रहे हैं, है ना, दो समांतर रेखा जब एक, दो समांतर रेखा को जब एक तिरछी रेखा काटता है, इसका नाम एक है तो इसका हम क्या दे देते तत्काल में, दो दे देते, तो जाएगा ए बी ई, हम लिख रहे हैं एंगल ए बी ई बराबर एंगल बी सी एफ, बी सी एफ एंगल बी सी एफ, समीकरण। अब लिखिए समीकरण तीन तथा चार से, समीकरण तीन तथा चार से, तीन चार में देखिए दोनों इक्वल बराबर,
एबी बराबर एबी, एलएचएस बराबर तारेजस बराबर बराबर कौन सी बी एफ बराबर कौन बी सी एफ पकड़े कौन सी बी एफ कौन है बी सी एफ कौन दू है नाम लिखे कौन एक बराबर कौन एक बराबर कौन हम इससे पता चल रहा है इस कौन को देखने के बाद दू कौन बराबर तो क्या होगा त्रिभुज संधिभाव है ना तो लिखेगा वह त्रिभुज जिसका दो कोण आपस में समान हो आपस में समान हो ऊपर लिखे आपस में समान हो अब अंजय संधिबाहु त्रिभुज कहा जाता है बताओ संधिबाहु त्रिभुज कहा जाता है तो संधिबाहु त्रिभुज कहा जाता है तो क्या हो जाएगा संधिबाहु त्रिभुज जाएगा इसका मतलब बी लिखा भाई हो जाएगा त्रिभुज बी सी एफ एक संधिबाहु 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 त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में क्या होती है दो भुजाएं बराबर होते हैं कोण एक बराबर कोण दो दिया कोण एक बराबर कोण दो तो कोण एक के सामने का भुजा कौन एफ सी कोण एक के सम्मुख भुजा कौन पड़ता है एफ सी सी एफ जो और कोण दो के सामने कौन पड़ता है बी एफ यहाँ बी यहाँ यानी सी एफ बराबर बी एफ आप देखिए यहाँ से सी एफ बराबर क्या हुआ बी एफ हो गया जब दर्पण का द्वारक छोटा कर देंगे तो ये वाला कहाँ आ जाएगा लगभग यहाँ कर देंगे 0.0001 जैसे तो दूरी लगभग पता चलेगा बोला दो लाइन के बीच में अगर एक सेंटीमीटर है तो पता चल रहा दो लाइन के बीच में बोल देंगे अगर जीरो इतना अंतर है कि लगेगा 0.0001 मीटर पता चलेगा दोनों लगेगा एक ही हाँ वही मान लेते दर्पण के द्वारक को बहुत छोटा कर दिया जाए तो हम यहां पर लिखेंगे दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो बी कहां पर स्थित हो जाएगा पी इतना छोटा कर दिया गया है कि बी लगभग कहां पर चला है पी पर बी पी पर स्थित हो बी पी पर स्थित हो जाए तो जब बी पी पे चलाएगा तो पी एफ या बोल दो बी एफ बताए कि ना है ना तो जाएगा पी एफ बराबर बी एफ क्या हो जाएगा पी एफ बराबर बी एफ है ना समीकरण क्या नंबर हो गया समीकरण चार हुआ यहाँ पांच ये अभी तो समीकरण पांच तथा समीकरण पांच तथा समीकरण छह से देखिए बी एफ बराबर बी एफ बी एफ बराबर बी एफ आर एच एस बराबर है ना समीकरण पांच तथा छह से आर एच एस बराबर तो एल एच एस क्या होगा सी एफ बराबर सी एफ बराबर पी एफ अगला होगा तो सी एफ बराबर पी एफ आप देखिए सी एफ ये पी एफ इसे यहाँ से यहाँ की दूरी को यहाँ से बिंदु से लेकर के पोल से लेकर के एफ की दूरी को फोकस की दूरी को एफ से डिनोट करते हैं है ना और यहाँ से यहाँ तक लेके इसको यहाँ को क्या बोलते हैं आर इसको क्या बोलते हैं आर इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या आर यहाँ से लिया सी एफ बराबर सी एफ सी एफ को हम यहाँ से लिख यहाँ से कर रहे हैं सी एफ को लिख रहे हैं पी सी माइनस पी एफ ठीक है ना इतना बड़ा लाइन है इसका नाम है पी सी यहाँ है पी एफ हम सी एफ हमको निकालना है तो सी एफ कौन वाला ये वाला ना सी एफ ये वाला तो हम इसको क्या लिखेंगे पी सी में से पी एफ को घटा दिए क्या बचेगा सी एफ वही लिख रहे हैं सी एफ का नाम लिख रहे हैं पी सी घटाओ पी एफ बचेगा क्या सी एफ और लिख रहे पी सी माइनस
पी एफ, इधर भी क्या बचा, इधर पी एफ, पी एफ। अब देखिए पी सी, पी सी यहाँ से यहाँ तक है, पी सी को हम क्या लिख रहे हैं आर। अब एक बार आप कर देते हैं, तो पी सी बराबर पी एफ माइनस पी एफ उधर जाके, तो पी सी बराबर पी एफ, पी एफ टू पी एफ, पी सी यहाँ से यहाँ तक क्या है आर, आर है कि नहीं, आप लिख देते हैं बगल में पी सी माइनस पी एफ बराबर सी एफ, है ना। एक बार और लिख देते हैं, पी सी बराबर क्या हो जाएगा आर, पी सी बराबर और पी एफ बराबर एफ, पी एफ बराबर, पी एफ बराबर एफ, है ना। यहाँ पे पी सी को हम क्या लिख रहे हैं आर और टू, पी एफ को एफ हो गया ना, ये आपका क्या हो गया आर बराबर टू एफ, तो एफ को उधर छोड़ देंगे, तो आर इधर दोगुना में इधर आके क्या हो गया एफ बराबर, अतः एफ बराबर आर वाई, ये साबित करना था, ये हो गया आपका प्रूफ। तो लिखेगा ये साबित मुख्य फोकस हुआ है ना, एफ बराबर आर वाई, ये साबित करना था, हो गया ना।